पूज्य पाद ज्योतिष पीठाधीश्वर जो शंकराचार्य जी महाराज ने केवल वचन नहीं किया, केवल उपदेश संदेश नहीं, अपितु जिस प्रकार से उन्होंने अपना व्यावहारिक अनुभव बताया कि 5 वर्ष के पश्चात यह श्रवण नीति धाम में आना हुआ और आकर के जो यहाँ का भाव देखा और रहा नहीं गया और मैं स्वयं भी यहाँ के व्रज रज कणों में लोट फोट होने लगा, वास्तव में अद्भुत अलौकिक। और उन्होंने एक बात कही कि पूज्यपाद महाराज श्री काशी महाराज श्री ने जो व्यवस्था थी विश्राम की, उन गद्दों पर मुझे वो आराम नहीं मिला जो आराम मुझे यहाँ भ्रमण नीति धाम में ब्रज धज में लोटपोट होने में मिला। वास्तव में हम सबके लिए एक अद्भुत प्रेरणा कि पूज्यपाद शंकराचार्य महाराज का स्वयं इस ढंग से अपनी व्यवहारिक अनुभूति के माध्यम से हम सबको प्रेरित कर रहे हों, नमन वंदन पूज्य शिव चरणों में करते हुए। और मंच का क्रम आगे चलेगा, पूज्य महाराज श्री भी कुछ मिनटों में क्योंकि व्रज यात्रा में है और व्रज यात्रा में आज उन्हें ब्रह्मांड घाट में संयोग से उन्होंने ब्रह्मांड घाट की भी चर्चा की कि कन्हैया ने माटी नहीं व्रज रज का भक्षण किया और वही स्थल जहाँ व्रज रज का भक्षण कन्हैया ने किया ब्रह्मांड घाट की बात दिव्यता जहाँ पिछले 4 वर्षों से लगातार नित्य प्रति यमुना जी की आरती का एक दिव्य क्रम दिव्य भाव चल रहा है और पूरे कोविड काल में भी यमुना जी का आरती का वह नियम जो था वो खंडित नहीं हुआ। पूरे कोविड काल में भी यमुना जी का आरती का क्रम चलता रहा और आस्था भजन के माध्यम से घरों में बैठे सब लोग ब्रह्मांड घाट में हो रहे आरती का दर्शन करते रहे, प्रेरणा पाते रहे। वह क्रम नियमित चल रहा है और उसी क्रम में आज पूज्य श्री पूज्यपाद शंकराचार्य महाराज भी वहाँ उपस्थित रहने वाले हैं। मंच का क्रम के हमारे मंच पर परम आदरणीय श्री स्वामी गोविंद देव गिरी जी महाराज की पावन उपस्थिति है और हम सब श्रवण करते हैं उन्हीं का स्नेहिल पावन आशीर्वादात्मक उद्बोधन पूज्य स्वामी।